Okay, so hello guys, this is your boy Bhavuk and you are watching Daydreamer Bhavuk, my channel. And आज मैं आ गया हूँ अपनी नई वीडियो के साथ जो कि मैंने कल से रिलेट की थी. कल मैंने बताई थी डिपोर्ट की वीडियो कि 3 स्टूडेंट्स डिपोर्ट हुए हैं जो. और आज मैं लेके आने वाला हूँ ऑनलाइन सॉरी डॉक्यूमेंट्स की वीडियो जो कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हमें कैरी करने हैं वाइल ट्रैवलिंग. एंड जिनके भी जितनी भी ज़रूरत है सब मैंने लिख दिया है, सब मैं दिखाने वाला हूँ. चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे. कंप्यूटर स्क्रीन वैसे दिखाऊँ या ना दिखाऊँ, नहीं दिखाता ऐसे ही. आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं लास्ट में स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना. जो सबसे पहली चीज़ हमें कैरी करनी है वो कर रही हैं ऑफ़र लेटर, सबसे पहले चेक होता है वो, ठीक है. लेटेस्ट भी कैरी करना है, और अगर आपने डेफर किया है तो अपना पास्ट वाला भी कैरी करना है. जितने भी डेफर्स हैं सबके कैरी कर लेना, और जो लेटेस्ट वाला है उसकी 2 से 3 कॉपी निकाल लेना, वो आपकी मर्जी है, ठीक है. उसके नेक्स्ट हमें जो कैरी करनी है वो है फी रिसिप्ट. गिनते जाना बस डॉक्यूमेंट. फी रिसिप्ट है विद स्विफ्ट कॉपी, जो कि स्विफ्ट कॉपी हमें बैंक से मिलती है, नहीं एजेंट देता है जो हमें स्विफ्ट कॉपी, वो हमें कैरी करनी है. एजेंट से अगर भरवाओगे तो एजेंट देगा, बैंक से भरवाओगे तो बैंक देगा. GIC सर्टिफिकेट हमें कैरी करना है विद स्विफ्ट कॉपी. दोनों चीज़ों के लिए स्विफ्ट कॉपी बहुत ज़रूरी है, चेक कर सकते हैं वो फी रिसिप्ट और GIC के साथ, ठीक है. उसके बाद जो हमें नेक्स्ट डॉक्यूमेंट कैरी करना है वो है मेडिकल. हमारा मेडिकल लेटेस्ट होना चाहिए. अगर आपने एक साल पहले का नहीं होना चाहिए, एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए. अगर आपको IRCC ने बोला है कि मेडिकल कराओ, चेक कर लेना अपने GC के अकाउंट. अगर आपके पास मैसेज आया हुआ है कि आप मेडिकल कराओ, वैसे तो मेल भी आती है, तो आप ज़रूर करा के आना लेटेस्ट मेडिकल, नहीं तो बहुत दिक्कत हो सकती है. उसके बाद जो है वो है इम्पोर्टेंट बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर, दैट्स कॉल्ड BIL, ठीक है. वो भी लेना ज़रूरी है, वो बायोमेट्रिक से हमें पहले मिलता है, जैसी कि मैं आपको मिल जाएगा आराम से. इसके नेक्स्ट जो है वो है फाइल सबमिशन कन्फर्मेशन. फाइल सबमिशन कन्फर्मेशन वो लेटर है जो कि कन्फर्म करता है कि आपकी एप्लीकेशन है वो रिसीव हो गई है बाय द इमिग्रेशन, और उस पर डेट भी मेंशन होगी जब भी आपने अपनी फाइल लॉन्च की होगी, ठीक है. उसके नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है बायोमेट्रिक वैलिडेशन लेटर. जब आप बायोमेट्रिक करा लोगे उसके बाद आपको ये लेटर मिलेगा, बायोमेट्रिक वैलिडेशन लेटर, जिसको कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर भी कहते हैं. एंड 10 साल की इसकी वैलिडिटी होती है, ठीक है. जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है अप्रूवल लेटर, जो आपको चाहिए अपने ट्रैवल लिस्ट में, ट्रैवल डॉक्यूमेंट लिस्ट में अप्रूवल लेटर आपको ज़रूर चाहिए. उस पर साफ साफ लिखा होगा दैट योर एप्लीकेशन हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द इमिग्रेशन और समथिंग लाइक दैट, ठीक है. उसके नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट आता है इम्पॉर्टेंट, वो आता है अप्रूवल लेटर को पोर्ट ऑफ एंट्री भी कहते हैं, ये याद रखना, ठीक है. कहीं वो मांगे पोर्ट ऑफ एंट्री और आप सोच में पड़ जाओ कि हाँ पता नहीं क्या मांग लिया, अप्रूवल लेटर को पोर्ट ऑफ एंट्री भी कहते हैं. इसके नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो है PPR, आपका पासपोर्ट प्रिंटिंग रिक्वेस्ट. उस पर साफ साफ ये PPR होने के बाद आता है, जब स्टैंपिंग हो जाती है उसके बाद लेटर आता है, भूल मत जाना एजेंट से लेना, ठीक है. इस पे ये लिखा होता है दैट इमिग्रेशन रिक्वायर्स योर पासपोर्ट फॉर फर्दर प्रोसेस फॉर मेकिंग देयर डिसीजन और फॉर कंप्लीटिंग देयर डिसीजन, ठीक है. इसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट हमें चाहिए वो है एयर टिकट. एयर टिकट जो भी आप कराओ 2 कॉपी या 3 कॉपी करा लेना मेरी सजेशन से, ठीक है. उसके बाद अगर आप इनडायरेक्ट रूट से आ रहे हो तो 2-3 कॉपी करा लेना. उसके बाद जो है वो है कॉलेज ID कार्ड एंड टाइम टेबल इफ़ यू आर अटेंडिंग योर ऑनलाइन क्लासेस राइट नाउ और इफ़ यू हैव बीन अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है. इसके नेक्स्ट जो लेटर है ट्रैवल सपोर्ट लेटर, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप कॉलेज से क्लासेस लगा रहे थे चाहे नहीं लगा रहे थे, आपको ट्रैवल सपोर्ट लेटर लेके आना है, वो भी मांग सकते हैं, ठीक है. उसके नेक्स्ट जो है वो है एनरोलमेंट लेटर इफ़ यू हैव बीन अटेंडिंग योर क्लासेस ऑनलाइन. ऑनलाइन लगा रहे हो तो आपको एनरोलमेंट लेटर भी चाहिए अपने कॉलेज के थ्रू. ये आपके अपने पोर्टल में भी मिल सकता है, स्टूडेंट पोर्टल में, और अगर नहीं है उसमें तो आपको मांगना पड़ सकता है, इसमें 3-4 दिन लग जाते हैं. इसके नेक्स्ट जो है वो है TRF,
टेस्ट रिपोर्ट फॉर्म ऑफ आयल्स, जो भी हमें आयल्स का TRF मिलता है उसका हमें ओरिजिनल रखना है अपने साथ, मांग सकते हैं वो भी। उसके नेक्स्ट जो है, ये पूरी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स लिस्ट है ये। इसके नेक्स्ट जो है वो है वैक्सीन सर्टिफिकेट। यू नीड टू गेट बोथ ऑफ द वैक्सीनेशन, 2 वैक्सीनेशन, एंड उसका सर्टिफिकेट भी ओरिजिनल होना चाहिए आपके पास। अगर पहला भी रख सकते हो तो पहला भी रख लेना, जिस पे नेक्स्ट डेट मेंशनड हो कि आपको कब लगनी है वैक्सीन, ठीक है। उसके बाद जो है वो है नेगेटिव रिपोर्ट कोविड की। जो नेगेटिव रिपोर्ट रखनी है वो भी, उसकी भी 3-4 कॉपी या 2-3 कॉपी रख लेना, और वैक्सीन सर्टिफिकेट की भी 2-3 कॉपी रख लेना अपने पास। और जो लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, लेटेस्ट CAQ अपना रखना 8 महीने पहले वाला नहीं, ये गलती बिल्कुल भी मत करना आप। और अपने फाइनेंशियल के बैंक कॉपी या बैंक जो अकाउंट है उसकी आप स्टेटमेंट रख सकते हो अपने पास, ITRs रख सकते हो अपने फादर की, अपने मदर की, ताकि अगर आप वो, आपको वो पूछें कि आप कैसे दिखाओगे अपना सेकंड ईयर का अपना कैसे सेटलमेंट, कैसे फीस करोगे, तो आप वो भी दिखा सकते हो। और उसके बाद आप बोल सकते हो दैट आई एम एलिजिबल टू वर्क 20 hours a week, सो आई विल मैनेज विद दैट ऑल्सो, ठीक है। इसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स नोट्स हैं, ये नोट्स में लिख लेना। ये आपने डॉक्यूमेंट्स सारे एक फोल्डर बना लो, उसमें रखने हैं फ़ोन में भी और वैसे भी, अपना फोल्डर बना के आना पूरा अच्छे से, ठीक है। ताकि, और जो स्टिक नोट्स आते हैं ना वो भी चिपका लेना उस पर, और लिख लेना कि कौन सा डॉक्यूमेंट कौन से पेज पे है, ठीक है, और पेज के साथ ही उसको स्टिक कर देना। और जो नेक्स्ट है, कॉलेज जो पोर्टल होता है, स्टूडेंट पोर्टल होता है, उसका ID पासवर्ड भी याद रखना, उसको या तो सेव करके रखना अपने लैपटॉप में, फ़ोन में, ताकि अगर वो ओपन करने को बोलें तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, और ज़्यादा देर होगी तो आप पैनिक हो जाओगे और कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और यही थे डॉक्यूमेंट जो कि इम्पोर्टेंट हैं ट्रैवल करने के लिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो ज़रूर की बेटा थम्स अप, स्क्रीनशॉट आपको दिख गया होगा मैंने लगा दिया है, अच्छी लगी तो ज़रूर की बेटा थम्स अप। एंड इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन टू मी, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया हुआ है, आप उसमें मैसेज कर सकते हो, या नीचे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी आ रहा है उस पर भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हो और मैसेज क्वेश्चंस कर सकते हो, क्वेरी सॉर्ट कर सकते हो। यही थी मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशनल लगी हो। एंड टिल माई नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, पीस आउट, लव लव भावक, कीप सपोर्टिंग, कीप ड्रीमिंग।